श्रेया शुक्ला और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल चैनल वीकी न्यूज। किसी भी देश में इस्लामी प्रवासियों को जगह देना खतरनाक होता है। जो ऐसा करता है उन्हें अंजाम भुगतना पड़ता है। ऐसा हम नहीं, ऐसा कहना है मौलाना का। इन मौलाना ने फ्रांस को लेकर पहले ही बड़ी भविष्यवाणी कर दी थी। मौलाना ने क्या कुछ कहा और ये मौलाना कौन है, इनके बारे में बताया। उससे पहले फ्रांस में क्या चल रहा है वो बता देते हैं। फ्रांस में मानवता खतरे में है और अराजकता अपने चरम पर है। विरोध करने के आड़ में कुछ अराजक तत्व लूटपाट कर रहे हैं। आलम यह है कि फ्रांस में इमरजेंसी लागू करने तक की नौबत आ सकती है। फ्रांस में विरोध तो 17 साल के नाहिल के लिए हो रहा था, जिसकी ट्रैफिक पुलिस द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन इस विरोध की भीड़ में कुछ अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी हां, दावा किया जा रहा है कि फ्रांस में दंगे फैलाने वाले इस्लामिक शरणार्थी हैं। यानी कि जिस फ्रांस ने रहने को घर दिया, उसी घर को इस्लामिक शरणार्थी जला रहे हैं। जिस थाली में खाना खाया, उसी थाली में छेद कर रहे हैं। अब फ्रांस की इस हालत पर एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें फ्रांस को लेकर मौलाना मोहम्मद तौहीदी ने पहले ही बड़ी भविष्यवाणी कर दी थी। फ्रांस में जारी दंगों के बीच सोशल मीडिया पर इस्लामी मौलाना मोहम्मद तौहीदी का एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस बयान में मौलाना तौहीदी चेतावनी देते नजर आ रहे हैं कि किस तरह किसी देश में इस्लामी प्रवासियों को जगह देना खतरनाक होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार मौलाना तौहीदी का यह बयान इंटरव्यू जो 9 सितंबर 2022 को हुआ था, इसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह मुस्लिम देशी इस्लामी कट्टरपंथियों को अपने यहाँ जगह नहीं देते, मगर उन्हीं कट्टरपंथियों का पश्चिमी देश हाथ खोलकर स्वागत करते हैं और बाद में उन्हें अंजाम भुगतना पड़ता है। मौलाना मोहम्मद तौहीदी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स की मिसाल देते हुए पूछते हैं कि ये IRGC जैसे संगठन मुस्लिम देशों में नहीं चल पाते, मगर ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में ये संगठन पूरी आजादी से अपना काम करते हैं। ये लोग टोरंटो में सरेआम अपना झंडा फहरा देते हैं। आखिर किसी को कैसे नहीं पता चलता कि उनकी कट्टरपंथियों की विचारधारा ही खून बहाना और लोगों को काटने की है। मौलाना आगे कहते हैं, इस्लामी देशों में कोई संकट नहीं है, मुस्लिम मुल्क सब अच्छा कर रहे हैं, केवल कुछ जगह समस्या है। पर मैं कहूंगा संकट आप लोगों पर है। आप मुस्लिम देश जाते हैं, वहां का जो कचरा उठा लाते हैं, जिन्हें खुद मुस्लिम देश निकाल कर बाहर करना चाहते हैं या जेल में डालकर उन्हें समाज से अलग कर देना चाहते हैं, आप उन्हीं लोगों को सस्ते में उठा लाते हैं, मगर इन इस्लामी कट्टरपंथियों को काम नहीं करना है। इस्लामी कट्टरपंथ पर बात करते हुए मौलाना तौहीदी ने समझाया, जब घर का सामान खरीदा जाता है तो कुछ कूड़ा निकलता है, इस कूड़े को लोग बाहर फेंक देते हैं और नगर निगम उसे उठा ले जाता है, क्योंकि कूड़ा घर में रखने वाली चीज नहीं है, इसे बीमारी और कीटाणु पनपते हैं। मौलाना कहते हैं कि इसी प्रकार समाज में भी कूड़ा है। आपके सामने कातिल, अपराधी और घिनौनी मानसिकता है जो कहती है कि आप महिला हैं इसलिए घर पर रहें, या फिर आप अपने पूरे शरीर को ढक कर रखें क्योंकि वो प्राइवेट पार्ट है। कुछ कट्टरपंथी कहते हैं ये यहूदी हैं, ये ईसाई हैं, इनके साथ ऐसा होना चाहिए। ये मानसिकता घिनौनी है और इसका सम्मान नहीं किया जाना चाहिए। मौलाना मोहम्मद तौहीदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, इस मामले में पोलैंड की नीतियां बेहद सही हैं। वहां कोई इस्लामिक कट्टरपंथ नहीं है और ना ही आज तक वहां कोई आतंकी हमला हुआ है, क्योंकि जैसे ही पोलैंड को लगा कि ये समस्या वाली चीज है, उन्होंने उस पर लगाम लगा दी। मौलाना तौहीद ने सितंबर 2022 में कह दिया था कि फ्रांस पोलैंड के बिल्कुल उलट है। मौलाना कहते हैं फ्रांस में कट्टरपंथी आते हैं, उनके संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि वाशिंगटन जाकर संसद तक में बैठ जाते हैं, फिर ईरान का समर्थन करने लगते हैं, हिजाब पहनकर कांग्रेस द्वारा लगाए प्रतिबंधों का विरोध करते हैं। मौलाना तौहीदी पूछते हैं पता है क्यों? क्योंकि उनकी शुरुआती विचारधारा ही सड़ी हुई है, इसलिए जब कोई पश्चिमी देश उन्हें अपने यहाँ जगह देता है तो ऐसा ही कि आप उन्हें अपने आप बिस्तर बिछाकर उन्हें लाकर सुला दे, यही पश्चिमी देश की समस्या है। अक्सर सवाल होता है कि क्या इससे कट्टरपंथी ताकतवर और पश्चिमी देश कमजोर हो रहे हैं, तो जवाब है हाँ, यही बात है। दरअसल फ्रांस में मौजूदा समय में जो दंगे और नाराजगी हो रही है वो शरणार्थियों द्वारा की जा रही है, जिसका फ्रांस ने कभी बाहें फैलाकर स्वागत किया था। इसी बात को लेकर मौलाना तौहीदी का बयान, ये कह सकते हैं वायरल हुआ है।
उन्होंने पश्चिमी देशों को पहले ही इस कट्टरपंथी विचारधारा के बारे में चेतावनी दे दी थी। बता दें कि मोहम्मद तौहीदी एक ऑस्ट्रेलियाई शिया मुस्लिम धर्मगुरु और इमाम हैं। वह इस समय ग्लोबल इमाम्स काउंसिल के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं, जो इराक में स्थित एक अल्पज्ञात संगठन है। तो ये थे मौलाना, जिन्होंने फ्रांस को लेकर पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि इस तरह से फ्रांस में आने वाले समय में ये हो सकता है, क्योंकि फ्रांस इस्लामिक शरणार्थियों को अपनाता था, उन्हें खुले हाथ से उनका स्वागत करता था। और आलम यह है कि इस समय वहाँ पर दंगा हो रहा है, लूटपाट हो रही है और कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ते हुए नजर आ रही है। फिलहाल मौलाना की इस भविष्यवाणी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।